भी हो मेरा काम सबसे कम रहता है, तो हमारे घर के जो गुरुजन हैं, बुजुर्ग हैं, वो लोग बहुत काम कर लेते हैं। मेरे भाई लोग हैं, बहुत काम कर लेते हैं। मेरा काम सबसे कम रहता है और मेरे सहकर्मी लोग, वो लोग अनंत काम कर लेते हैं। तो मेरा मन में ऐसा खटकता था, तो मैंने उन लोग का सहयोग मांगा, बोला कि आप लोग हर नगर में जाइए, हर जगह जाइए और जहाँ जाएंगे वहाँ जाके आप लोग एक बात बोलिएगा, दादा लोग माँ लोग को बोलिएगा, वो लोग जाजन करके लाएंगे। और एक बात है, जहाँ लाएंगे वहाँ जाके दीक्षा देंगे, दीक्षा देंगे। और एक बात भी हमने बोला था कि हमने कोई जगह में किसी से व्यक्तिगत बात नहीं करेंगे। हम देवघर में जितना भी समय मिलता है हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा बात करने का, लेकिन यहाँ हम किसी से व्यक्तिगत बात नहीं करेंगे। जो भी बोलेंगे आमने सामने आवाज में बोल देंगे। वहां से यदि उन लोग का कोई मदद मिल गया तो उन लोग उसी को लेके चलेंगे। सबसे पहली बात है, विद्यार्थी जो लोग यहाँ आए हैं उन लोग के लिए मेरा कुछ कथा है। विद्यार्थी लोग, आप लोग मान लीजिए अभी जिंदगी का सबसे सुनहरा पल से आप लोग गुजर रहे हैं, माँ बाप के छत्र छाया में हैं। इस अवस्था में आप लोग को उचित है कोई भी विद्या को हासिल करके, ताकि आप भविष्य में अपना खुद का पेट, परिवार का पेट पाल सके, यदि संभव है। देखिए दादा एक बात बोले, हम कोई मजाक नहीं करते, कोई बाबा जी नहीं है, हम एकदम साधारण सा आदमी, एकदम मामूली सा एक इंसान हूं, ठीक है। मेरा ऐसा कोई प्रचार वगैरह कुछ नहीं चाहिए, जो भी है आप लोग का उठाना है तो दूर से उठाइए। तो एक बात है, तो मैं जितनी विद्यार्थी हैं उन लोगों को बोलते हैं, विद्या अर्जन के लिए आप कुछ भी कीजिए, अभी इच्छा नहीं कर रहा है, समय बर्बाद करना चाहते हैं, कुछ भी कीजिए सब चलेगा, लेकिन उस समय बर्बाद का समय और नहीं आएगा, क्योंकि माँ बाप सब समय नहीं रहते हैं। वो लोग एक दिन हम लोग को छोड़ के चले जाएंगे, और जब चले जाएंगे पतझड़ के मौसम में हम लोग बहुत तापित सूरज के नीचे पड़ना पड़ेगा, हम लोग का जिंदगी बहुत कष्ट बनने का है। इसलिए माँ बाप के छत्र छाया में कोई विद्या को अर्जन कीजिए, और विद्या अर्जन के लिए सबसे पहले चाहिए आनंद में रहना। आनंद में जो रहता है वो एकाग्र रह सकता है। तो विद्यार्थी के लिए दो ही चीज जरूरी है, एक है एकाग्रता, एक है निष्ठा। ये एकाग्रता और निष्ठा रहेगा तो विद्यार्थी कोई भी विद्या अर्जन कर सकते हैं, और ये दोनों में कोई नहीं रहेगा तो विद्यार्थी का कोई विद्या अर्जन नहीं संभव है। वो कितनी भी मंदिर में पूजा करे, कुछ भी करे, यही दो चीज पहले जरूरी है, एक है एकाग्रता, एक है निष्ठा। आप नाच सीखना चाहते हैं नाच सीखिए, गाना सीखना चाहते हैं गाना सीखिए, खेलकूद सीखना चाहते हैं खेलकूद सीखिए, पढ़ाई सीखना चाहते हैं तो पढ़ाई सीखिए, जो भी अपना सीखना चाहते हैं उस शिक्षा के ऊपर आपका भविष्य का, आपका पेट और परिवार का पेट चलने वाला है। इसलिए अभी से ठीक से अपना जिंदगी बनाने का कोशिश शुरू कर दीजिए। जो लोग नौकरी में हैं उन लोग के लिए मेरा एक सलाह है कि यहाँ कोई भी एक छलांग लेके दो मंजिल पर नहीं चढ़ता है। दो तला में चढ़ने के लिए सीढ़ी पर चढ़ के हमको दो तला उठना पड़ता है। तो सीढ़ी पर यदि एक एक पायदान मिलता है, उस पायदान को हमको पसंद नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं उस पायदान में, उस सीढ़ी में हम कदम रखते हैं, उस कदम रख के दूसरा सीढ़ी को खोजते हैं, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा करके करके हम मंजिल से पहुंचते हैं। जो लोग नौकरी करते हैं या नौकरी के तलाश में है, कोई भी नौकरी हाथ में मिल जाए उसको लेके आगे की ओर बढ़ते रहिए। यदि कोई अच्छा नौकरी मिल गया तो उसको लेके चलते रहिए, नहीं मिला तो ऐसा करके सीढ़ी तोड़ तोड़ के अपना मंजिल ढूंढ लीजिए, लेकिन बैठे मत रहिए, बेफिजूल बैठे मत रहिए। आप क्या पास है क्या फेल है उससे मतलब नहीं, लेकिन एक काम से जुटे रहिए जिस काम से आप लोग जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। जो लोग व्यवसायी हैं उन लोग के लिए सबसे पहले बात है, देखिए दूध देंगे तो उसे छेना बनाने के लिए एक कायदा चाहिए, तो जिंदगी में पैसा उपार्जन के लिए भी एक कायदा चाहिए। व्यवसाय का सबसे बड़ा कायदा है ठाकुर जी का व्यवसाय का पंचनिधि पालन करना। पंचनिधि पालन करने से क्या होगा, जो व्यवसाय का जो ढांचा है वो ठीक रहेगा। अब ये ढांचा को पंचनीति, जो ठाकुर जी का व्यवसायिक पंचनीति है, वो मंदिरों में जान सकेगा, या तो कोई कर्मी लोग से जानकारी लीजिए, या तो कोई केंद्र से जानिए, या तो ठाकुर जी का किताबों से जानिए, या लोग जो लोग चर्चा करते हैं उन लोग से जानिए, लेकिन जानकारी लेके व्यवसाय शुरू कीजिए। और व्यवसाय में जो निवेश कीजिएगा उसका 2% यानी कि 2% आपका रिटर्न आना चाहिए। यदि 100 रुपया लगाते हैं तो 2% रिटर्न आना चाहिए। 2% रिटर्न नहीं आएगा
तो व्यवसाय का वंश निधि में आपका कोई खोट हो रहा है। यदि खोट हो रहा है तो सबसे पहले व्यवसाय को कहां प्रॉब्लम आया है, क्या नियम का पालन नहीं हो रहा, क्या नियम का उल्लंघन हुआ है, उसको ढूंढ के उसको मरम्मत कीजिए, फिर व्यवसाय शुरू कीजिए। और यदि आपका नजर में ही नहीं आ रहा है तो व्यवसाय बंद कर दीजिए। जरूरत होगा तो नौकरी कर लीजिए कुछ दिन, उसके बाद जरूरत होगा तो जब आपका नजर में आएगा कि हाँ हम इसमें गलत किए थे, तब फिर से शुरू कीजिए। नहीं तो क्या होगा, आप इतना कर्ज में डूब जाएंगे कि आप चल भी नहीं सकेगा, सम्मान सहित समाज में नहीं चल पाइएगा, घर बार सब बर्बाद हो जाएगा, आपका जो पूंजी है वो भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए व्यवसायी आदमी आप लोग ये मान के चलिए, जो लोग आप लोग में से पिता माता हैं, संतान का शादी के लिए सोचते हैं, तो उन लोगों को हमारा सलाह है कन्या को श्रृंगार सिखाइए। श्रृंगार का मतलब है खाली सजना धजना नहीं, श्रृंगार का मतलब है अपने को उपस्थापना करना, अपने को प्रेजेंट करना, स्थिति के अनुसार हमको उपस्थापित किया खुद को, कैसे कथा बोलना है, कैसे आचरण करना है, कैसे चलना है, कैसे घूमना है, किस जगह में कैसा पोशाक पहनना है, यहाँ तक भी कैसे हमारा बर्ताव करना है अतिथि से, ये समूचा अभिव्यक्तियां कन्या को सिखाना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर भविष्य टिका है, एक परिवार बसेगा उसके ऊपर, ये सिखाइए। और लड़का को सिखाइए कर्म प्रधानता, बोले तुम्हारा चेहरा से कोई प्रभावित नहीं होगा, चेहरा से तुम्हारा कोई मूल्य नहीं, तुम्हारा क्या कर्म है कर्म के आधार पर ही तुम्हारा परिचय है। और फिर अपने जो रिश्तेदार हैं, जो सजाती के आदमी हैं, जो हितैषी जन है, उन सबको बोलिए सहयोग संजोग शादी के लिए जरूर आ जाएगा। जो लोग बीमार हैं उनके लिए एक कहानी हम बोलते हैं, हमारे आश्रम का एक लड़का है, उसका बहुत बीमार हो गया, उसका बेटा का 7-8 साल का था, खेल कूदता था, अचानक बिस्तर में पड़ गया, चल नहीं पा रहा था, तो हमको आके बोला कि बहुत इलाज कर रहे हैं कोई उपाय नहीं हुआ। तो मैंने उसको बोला कि इंटरनेट को खोलो, इंटरनेट को खोलवाया जब, तो इंटरनेट खोलने के बाद जो रोग निर्णय किया गया वो रोग देखा गया कि एलोपैथी चिकित्सा में नहीं था। एलोपैथी चिकित्सा में जैसा नहीं था, तो मैंने आयुर्वेदिक कॉलेज का यहाँ शिक्षक थे भुवनेश्वर में, उनको फोन करवाया। उनको फोन करवाने से क्या हुआ, उन्होंने एक दवा बोल दिया, जो दवा देवघर बाजार से लेकर उस लड़का को दे दिए, उसका बेटा को खिलाया, जो इतना दिन से बीमार था वो स्वस्थ होकर खेलना शुरू कर दिया। फिर तो मैंने यही बोलना चाहता हूँ, आप लोग बुजुर्ग आदमी जो लोग नहीं पारेंगे, लेकिन घर के जो बच्चे हैं वो लोग इसमें शातिर हैं, इसमें एक्सपर्ट हैं, उन लोग का मदद लीजिए। वो लोग अपने मोबाइल से हो या कंप्यूटर से हो, वो लोग इंटरनेट खोल के आपका क्या रोग हुआ है उसका निर्णय में सहायता कर देगा। फिर आप जानिए आपका रोग में क्या करना उचित है क्या अनुचित है, फिर डॉक्टर के पास जाइए। सत दक्ष शुभानुधाय कोई डॉक्टर का ढूंढिए, उनके पास जाइए और जाके चिकित्सा शुरू करवा दीजिए। और अंत में एक बात है, बचपन में हम जब भूत का भय पाते थे तो बोलता था जब राम राम बोलने से भूत का भय दूर हो जाता है, तो हम अभी बोलते हैं कि आप आनंद में रहिए तो भय आपका दूर हो जाएगा। भय दूर करने के लिए ही हमको आनंद में रहना पड़ेगा। तो मेरा जिंदगी कैसा है संसार में जिसको हमको आनंद में बनाना पड़ेगा, पहले तो देखें घर परिवार का स्थिति कैसा रहता है। घर परिवार में मान लीजिए एक पति पत्नी एक साथ रहना शुरू किया, तो शुरुआत में आवाज निकलता है और कुछ दिन जाने के बाद उसी घर से आवाज निकलता है हाउ 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 हाउ, जैसा लगता है कोई भौंक रहा है भीतर। यार इसका कारण क्या हो सकता है, क्योंकि हम लोग हृदय को दूर कर देते हैं कभी कभी, पति पत्नी अपना हृदय को दूर कर देते हैं। सब में नहीं होता है, लेकिन किसी किसी में ऐसा होता है, हृदय दूर हो जाता है, हृदय दूर हो जाता है पति पत्नी में। संतान चाहता है हमको ये चाहिए, लड़की चाहता है ऐसा चाहिए, पति चाहता है ऐसा चाहिए, पत्नी चाहता है ऐसा चाहिए, सब कोई अपना स्वार्थ का बात बोलते हैं अपना संसार में। और जब ही हृदय खोलते हैं तो उसमें से ऐसे आवाज निकलता है, ऐसा झगड़ा पैदा हो जाता है कि लगता है कि मानो हम लोग का हृदय एक जगह में नहीं है, सब अपने जगह में एक छत के भीतर हमारा परिवार जैसा बिखर गया है, एकदम अलग फलग हो गया, उलट पुलट हो गया। सामाजिक स्थिति में भी हम लोग जब हृदय खोलते हैं तो धक्का लग जाता है, दोनों दोस्त हृदय खोला झगड़ा शुरू हो गया, दोनों आदमी में हृदय खोलने से ही झगड़ा पैदा हो रहा है, दोनों कर्मी जो ठाकुर जी को लेकर चलते हैं
दोनों में यदि ठाकुर जी किसी के पास नहीं है तो झगड़ा जरूर होगा, और यदि किसी के पास एक के पास भी ठाकुर जी रहे तो झगड़ा बंद हो जाएगा, क्योंकि जो ठाकुर जी के पास है, जिसका हृदय में ठाकुर है, वो कभी झगड़ा नहीं करता, वो झगड़ा को एकदम निष्पत्तिकरण कर देता है। लेकिन जिसके पास ठाकुर जी नहीं है वो झगड़ा करेगा ही, वो ठाकुर जी का कर्मी हो चाहे बाबाइदा हो जो भी हो, यही नियम है। तो ये जो हृदय नजदीक में रहकर भी हम दूर कर देते हैं, ये तो एक अमंगल का सूचना है। हमारा परिवार में हम अपने बच्चे को क्या बोलते हैं, जो वो आके हमको बोलता है बाइक चाहिए आज, तो हम बाइक देने का कोशिश करते हैं। कोई बोलता है कि आज कपड़ा चाहिए, वो देने का कोशिश करता है। पति बोलता है हमको ऐसा चाहिए, तो पत्नी वो कोशिश करता है। पत्नी बोलती है हमको ये चीज चाहिए, तो पति आके देता है। तो ये हर चीज स्वार्थ का पूरण हो जाता है जब, तब परिवार वाले या समाज वाले बोलता है आभारी से थैंक यू, और इस थैंक यू को हम लोग सोच लेते हैं ये प्रेम है, ये प्रेम का बंधन है। लेकिन प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है, कोई शर्त नहीं है। हमारा पत्नी खाना नहीं पकाएगी फिर भी हम उसे प्रेम करेंगे, हमारा पति हमका रेख देख नहीं करेगी फिर भी मैं उसे प्रेम करूंगा, मेरा बेटा हमसे कुछ नहीं मांगेगा और हम भी उसको कुछ नहीं देंगे, मेरा बाप हमको कुछ नहीं देगा फिर भी मैं बाप से प्रेम करूंगा, मेरा माँ हमको सलवार कमीज कुछ नहीं देगी फिर भी मैं उसे प्रेम करूंगा। प्रेम के लिए कोई शर्त नहीं रहेगा, जहां प्रेम है वहां कोई शर्त नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। जहां स्वार्थ और शर्त आ गया वहां प्रेम नहीं है, वहां आता है थैंक यू। आभारी से हम लोग पाने के बाद, उस स्वार्थ का पूर्ण होने के बाद हम लोग बोलते हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और इसको सोचते हैं हम लोग यही प्रेम है यही प्रेम है यही प्रेम है। लेकिन हम बोल रहे हैं ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम का एक ढोंग है। प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं रहेगा, कोई शर्त नहीं रहेगा, यही उपाय है। हम बेटा को बोलते हैं बेटा झूठ मत बोल, और जब पैसा लेने के लिए आदमी आता है तो बोलते हैं जा बेटा बोल दे बाप घर में नहीं है। माँ कहती है बेटा बाप का कहना मान, बाप बुजुर्ग हैं, और अंत में देखते हैं रात को माँ से बाप का झगड़ा हो रहा है। तो हमको पता चल गया कि समाज में अच्छा बात को सुनना चाहिए लेकिन खराब बात को करना चाहिए। इसलिए समाज में हमको कोई भी अच्छा स्कूल में दाखिल किया जाए, हम जाके मंद कथा सीखेंगे, मंद आचरण सीखेंगे, खराब आचरण सीखेंगे, गाली गलौज सीखेंगे, अंत में नशा भी सीख जाएंगे। बहुत बड़ा ऑफिसर बनेंगे तो घुसखोर बनेंगे, बहुत पावरफुल होगा तो सताएंगे दूसरे को, सताने वाला आदमी बन जाएंगे। समाज का कोई कल्याण हमसे नहीं होगा, लेकिन क्षमता होगा लेकिन कल्याण नहीं कर पाएंगे, यही है सामाजिक चित्र होगा मेरा पुत्र के। हम बनाने चले थे मधुमक्खी, उसको वो बन गया है मलमक्खी, जाके जहां जहां पैखाना देखता है वहीं जाके बैठता है, मल में बैठता है, गंदगी में बैठता है, और गंदगी को ही लेके आता है घर से। यही उसका स्थिति हो चुका है हमारा पारिवारिक जीवन। कहीं कोई प्रेम का बंधन या संधान हम लोग को कभी कभी नहीं मिलता है, निराश हो जाते हैं। जिंदगी कैसा है, एक तेज नदी जैसा, वहां जैसा जैसा मानो स्रोत से एक नदी बह रहा है, उस स्रोत में यदि नदी को नाव हमको ठीक रखना है तो गाछ एक है पार में, उसके साथ नाव को बांध लेना है। ये जो नाव को बांध दिए यही है बंधन, यही है दीक्षा। इस बंधन यदि रहेगा तो नाव उस तेज स्रोत में हिलेगा डूलेगा लेकिन भागेगा नहीं, और यदि बंधन टूट गया तो वो जाके निकाल के कोई धुआंधार में जाके गिर के चूर चूर हो जाएगा, उसको कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। क्यों दीक्षा लेंगे? एक गाय था जो साथी सब उसका चला गया मालिक के साथ, लेकिन वो घास का लालच में रह गया लालसा में जंगल किनारे। अब एक बाघ शाम में शेर निकला, बाघ निकला शिकार के लिए, तो देखा एक गाय है, तो गाय देखकर ही उसके पीछे दौड़ा, गाय उससे भागने के लिए एक कचरे में जाके फंस गया। अब कचरे में जैसा फंसा तो बाघ भी छलांग लगा के कचरे में जाके बाघ भी खुद फंस गया। अब दोनों वहां फंसा हुआ है, कोई निकल नहीं पा रहा है, और एकदम उस कचरे में फंसा हुआ है जब, तो बाघ बोला देख ये कचरा कुछ देर में सूख जाएगा तब मैं निकाल के पहले तुझको खाऊंगा। तो गाय बोलता मेरा कान बहुत सीधा है, सीधा कान से मैं सुनने में आ रहा है कोई घंटा बजा रहा है, कोई शंख बजा रहा है, आदमियों का चहल पहल आ रहा है, यानी कि मेरा एक मालिक है,
मेरा मालिक है जो हमको रक्षा करने के लिए हम घर नहीं लौटे हैं, इसलिए उसको उद्धार करने के लिए चले आए हैं। साथ में बहुत आदमी है, उसके पास भाला है, लाठी है। मेरा तो मालिक है, मुझे तो उद्धार करके ले जाएगा, लेकिन तेरा क्या होगा, तेरा क्या हालत होगा, ये पहले सोच। यही कारण है हम लोग दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद हम क्या सोचते हैं, हम मंदिर में जाके माथा टेकेंगे और मन्नत पूर्ण हो जाएगा। हम भगवान को व्यवहार करेंगे बाप का नौकर जैसा, बोलेंगे आज ये चाहिए कल वो चाहिए, और भगवान हमारा जैसे बाप का नौकर है, आके बोलेगा प्रभु आज क्या ऑर्डर है, आज मेरा बेटा का नौकरी लगा दे, आज क्या ऑर्डर है प्रभु मेरा बेटी का शादी ठीक करवा दे, आज क्या ऑर्डर है प्रभु आज मेरा माँ का घुटने में दर्द है उसको ठीक करा दे। जैसा हम भगवान को ऐसे इस्तेमाल करते हैं, खाली मस्का लगाने के लिए हम लोग हे भगवान बोलते हैं शुरुआत में, बाकी का तो जैसा करते हैं वो तो जैसा कि मानो ऑर्डर देते हैं। ये ऑर्डर पूर्ण करने का क्षमता भगवान में नहीं है, सीधी बात बोलते हैं। भगवान का इतना क्षमता रहता तो उनका पत्नी को कोई उठा के ले जाता, इतना मजा। भगवान का इतना क्षमता रहता तो वो तो स्वयं भगवान थे, तो समुन्द्र के किनारे जाके पुल बनवाना पड़ा क्यों, वो तो भगवान थे। मैं भगवान आशीर्वाद करता हूँ समुन्द्र पर पुल बन जा, नहीं हुआ, पुल बनवाना पड़ा, आदमी जुटा के पुल बनवाना पड़ा। रावण से जब भेंट हुआ, मैं भगवान हूँ रावण तू मर जा, नहीं हुआ, खुद को नहीं संभाल पाते हैं, उसको तो युद्ध करना पड़ा। तो कर्म से मुक्त भगवान भी नहीं है, और हम सोचते हैं हम इससे मुक्त हो जाएंगे, ये संभव ही नहीं है। हम लोग में अनेक है जो लोग दीक्षा लेके सोचते हैं कहां कोई तो असर नहीं मिल रहा है। पंखा लेके बैठे रहोगे हजार साल, इस पंखा हवा नहीं देगा, पंखा को हवा लगाने के लिए हाथ हिलाना पड़ेगा, दीक्षा लेके कुछ काम करना पड़ेगा, तब इसका पूर्ण होगा। सबसे पहले हम जो सामाजिक स्थितियों में पड़ते हैं उसमें हम क्या करते हैं, विचलित हो जाते हैं। कोई गाली दिया हम भी गाली देते हैं, कोई ढेला मारा तो हम पत्थर मार देते हैं, कोई ऐसा आचरण किया जिस आचरण हमको पसंद नहीं तो हम भी उसके उसके लिए वैसा ही आचरण लौटा देते हैं। लेकिन जब ठाकुर जी को पकड़े हैं तो सोचना चाहिए, मेरे ठाकुर जी इस स्थिति में आप क्या करते हैं, आपका आचरण इस स्थिति में क्या होता, वही आचरण मैं करूंगा। ये आचरण को सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मन है। जानवर से इंसान का फर्क क्या है, जानवर सोचता है आहार निद्रा मैथुन, और इंसान आहार निद्रा मैथुन के बाद भी वो मन से कुछ सोच सकता है कि सोचता है मेरा जिंदगी और भी सुंदर कैसे बनाए। खाली ये तीन चीजों से हम बंधे नहीं रहेंगे, हम और भी कुछ सोचेंगे, इसलिए मेरा मन है, और उस मन से सोचना पड़ेगा मेरे ठाकुर आप इस स्थिति में क्या करते, आपको यदि ढेला मारता तो आप क्या करते, आपको यदि गाली देता तो आप क्या करते, आपसे कोई अनाज्य आचरण करता, कोई मंद आचरण करता तो आप क्या करते। मैं हूबहू ऐसा करने का कोशिश करते रहूंगा। हमको इच्छा नहीं करेगा, एकदम इच्छा नहीं करेगा, हमको लगेगा कि जैसा हम थे वैसा ही हम करें, लेकिन यही है ठाकुरत्व जानना। मेरे ठाकुर आप कैसे हैं वही सोच के हम जब आचरण करने का कोशिश करते हैं, वही है ठाकुरत्व जागना। और ठाकुर बोल रहे हैं जब तक ठाकुरत्व नहीं जागेगा कोई तुम्हारा ठाकुर नहीं है, केंद्र नहीं है। ये ठाकुरत्व हम सब में जागना चाहिए, मेरे ठाकुर आप कैसे आचरण करते, इस स्थिति में मेरे ठाकुर आप कैसे प्रकाशित करते खुद को, उस आचरण को हम करते जाएंगे, बुद्धि से करते जाएंगे। ये बुद्धि करते करते एक दिन ये संस्कार में आ जाएगा, तब सोचना नहीं पड़ेगा मेरे ठाकुर आप कैसे आचरण करते। ये जब मेरे संस्कार में आ जाएगा, परमपिता का संस्कार मेरा ही संस्कार हो गया, तो क्या बोलेगा आदमी कि ये ठाकुर जी का ही आदमी है। इसके लिए हमको पोशाक नहीं पहनना पड़ेगा, कोई बैनर नहीं लगाना पड़ेगा, बाबाईदा बोल के कोई आ रहा है लगाना, जब तक पड़ रहा है तब हम अभी तक ठाकुर जी का नहीं बने। आलू में कोई लिख देता है आलू है, नहीं लिखता है, तो बाबाईदा बोल के कोई है इसलिए उसको लिखना पड़ता है बाबाईदा, रेवरेंट बाबाईदा। आप लोग ने बैनर लगाया ना, हम उड़ीसा में देखा कई कई जगह में, हमने बोल दिया था कहीं मेरा बैनर मत लगाइएगा, लेकिन लगाया जब तो मैं आलू जैसा नहीं हूं, मेरा कोई काम में कमी रह गया है इसलिए बैनर लगाना पड़ रहा है अभी भी, तो बात वो नहीं। अभी ये संस्कार जब हम लेके चलेंगे ठाकुर जी को प्रकाशित करते रहेंगे, फल पकने से क्या होता है फट जाता है,
उसका प्रकाश होता है। तो हम यदि मूली खाते हैं तो मूली का ढेक उठता है, तो वैसा हमारा ठाकुर जी का आचरण हमारे भीतर घुसते घुसते उसका प्रकाश भी होने का मांगता है। भगवान से पूछा, हे भगवान आप कहां रहते हो? तो भगवान ने बोला, न हम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनं हृदयानं न च, मतलब मैं भगवान, भगवान ने बोला मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं, जोगी के हृदय में नहीं रहता हूं, मेरा भक्त जहां मेरा गुण कीर्तन करते हैं वहीं मैं रहता हूं। खाली जहां जहां हम गुण कीर्तन करते हैं, जाजन करते हैं, जब जब वो सब्जी वाला के पास, वो रिक्शा वाला के पास, वो टांगा वाला के पास, वो ठेला वाला के पास, वो किराया जिसे हम उधार लिए थे उससे जब भागते थे, अभी भागेंगे नहीं, हम सीधा चले जाएंगे, बोले गाली देना है गाली दे दीजिए, मारना है तो मारिए, लेकिन हम आपको पैसा इस महीना नहीं दे पा रहे हैं, क्षमा कीजिए, आपको हम गाली गलौज सुनने के बाद दो ठाकुर जी का बात बोल के जाएंगे। यही बोली, निर्भय होके बोलिए, बोलता शुरू कीजिए, ये प्रकाश करते रहिए, प्रिय का वितरण करते रहिए सामाजिक रूप से, ये प्रिय वितरण से ही, जब जब हम प्रिय वितरण करते हैं तब तब ठाकुर जी मेरे पास आके खड़ा हो जाते हैं, तब तब ईश्वर वहां मौजूद होते हैं। जब जब भक्त उनका गुण कीर्तन करता है, भगवान बोला मैं वहीं प्रकट होता हूं, तो भगवान वहीं प्रकट होते हैं। और ये जो प्रिय वितरण करते हैं, अपना सबसे प्रिय जिन्हें प्रिय वस्तु जब हम किसी को देते हैं तो क्या होगा, संपर्क पैदा होता है, ये प्रिय बांधवता तैयार हो जाएगा सामाजिक रूप से, ऐसे ऐसे आदमी जुट जाएंगे मेरा जीवन में जिसके साथ मेरा कोई स्वार्थ संबंध नहीं, ये प्रिय बांधव जो है यही मेरे काम में आएंगे। कैसे आएंगे? एक कल्पतरु था, उस कल्पतरु छाया में एक पथिक बैठे सोचा, उस कल्पतरु में जो भी मन्नत मांगता, जो भी इच्छा करता वही पूर्ण हो जाता। तो कल्पतरु के छाया में पथिक बहुत बहुत थका हुआ बैठा हुआ सोचा कि खाना यदि मिल जाता तो अच्छा होता, तो खाना अचानक आ गया। खाना भरपेट खाने के बाद सोचा एक बिस्तर हो जाता तो बहुत अच्छा होता, बिस्तर भी आ गया। मेरा कोई स्वार्थ संबंध नहीं, इसी के प्रार्थना से हो सकता है मेरा उपाय। जब हम अपने माँ बाप भाई बहन पति पत्नी सबके लिए प्रार्थना करते हैं, इसको कहते हैं सकाम प्रार्थना। ये प्रार्थना ईश्वर नहीं ग्रहण करते, किसी का सकाम प्रार्थना हम अपने बेटी के लिए करते हैं, हम अपने बेटा के लिए करते हैं, हम अपने भाई के लिए करते हैं, अपने बाप के लिए, माँ के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, कोई प्रार्थना ईश्वर नहीं लेते हैं, क्योंकि ये सब सकाम प्रार्थना है। जिसमें स्वार्थ जुटा हुआ है वो प्रार्थना कभी ईश्वर नहीं लेते हैं, इसको कहते हैं सकाम प्रार्थना। और ये जो प्रिय बांधव जो जुटाए थे, ये लोग जब मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, ये है निष्काम प्रार्थना। मैं वो दादा के लिए करूं तो निष्काम प्रार्थना, वो माँ के लिए करूं तो निष्काम प्रार्थना, वो बहन के लिए करूं तो निष्काम प्रार्थना, वो भाई के लिए करूं तो निष्काम प्रार्थना। इन लोग के साथ कोई मेरा साथ संबंध नहीं, फिर भी मैं इन लोग के लिए यदि प्रार्थना मांगूंगा तो ये प्रार्थना पूर्ण हो जाएगा। थकान सा लगता था, भूख के लिए तब हम उसका दूध पिला रहे, आज तू यदि उलट पुलट चलती है तो मेरे मन में बहुत कष्ट होता है, ऐसा करने हृदय पड़ेगा एक परिवार का, ऐसा हृदय खोलने से एक परिवार का बंधन निश्चित तैयार होगा, ऐसा पारिवारिक बंधन से इस परिवार के द्वारा ही समाज का कोई कल्याण हो सकता है, समाज का कोई मंगल हो सकता है, देश का कोई मंगल हो सकता है। मानिए धरती के बाहर